बहुत बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है। आप लास्ट कितने दिन से हो यहाँ पे? 3 दिन हो गए। बट हाउ आर यू कनेक्टेड? टायर खोल दो, ये घर है, ये घर है ना, चल नहीं सकते। बाप रे, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ पोर्टेबल गीजर एलपीजी से चल रहा है, वो शार ले रहे गर्म पानी से। क्रोकोडाइल का, इसमें क्रोकोडाइल बैठे रहते हैं। अरे भाई, तो ये चंबल का एरिया है ना? हाँ, एरिया ये पूरा चंबल का एरिया ना। तो ये भी कैरावैन है, तो बहुत अलग अलग सारी चीजें हैं। जू में आप बहुत सारा सामान कैरी कर सकते। अब गाड़ी अंदर करते हैं। सुलश भाई, गाड़ी अंदर लगवाएंगे। बहुत सारी गाड़ियां यार। अभी कितनी कार्स हैं? 14 है। 16 थी इंक्लूडिंग माइन। हाँ, अच्छा, नहीं, आपकी मिला के 15। मेरी मिला के 15 है। ओके, बहुत बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है। मतलब ये तो आपका एकदम ड्रीम होगा। पता है उससे भी अच्छा क्या है? नेटवर्क नहीं आ रहा। नेटवर्क नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भाई। किस पेड़ के सामने आता है वो? उधर एक आउट पॉइंट दिखाओ। अच्छा, नहीं, बाद में दिखाना, मुझे भी नहीं चाहिए नेटवर्क। वहाँ जाओ, एक वो ऐसे वहाँ फोन लेके खड़े हो जाओ, बस वही नेटवर्क आता है। और किसी का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ जियो आता है वहीं पे। हाँ, सिर्फ जियो आ रहा है, वो भी एक डंडी। पेड़ के पास ऐसे खड़े रहो, फिर बात करो, फिर इधर हिलोगे तो सब बंद। आप लास्ट कितने दिन से हो यहाँ पे? 3 दिन हो गए। थर्ड नाइट है। एंड बाकी 2 रात ठंड कैसी थी? बढ़िया एकदम यार। रात मतलब जैकेट डालनी पड़ती है, बॉनफायर लगानी पड़ती है। अच्छा, बॉनफायर लगाते हो आप? लकड़ी वकड़ी सब लेके आओ या फिर? अच्छा, यहाँ पे वो फॉरेस्ट वाल परमिशन। एंड वॉशरूम? सबके अपने प्राइवेट वॉशरूम रहे। अच्छा, ये रहा आपका कौन सा है? वो वाला, ब्लू वाला। मैं तो प्राइवेट अपना, मैं तो कुछ, मैं पता है क्या, मैं टेंट भी लेके आऊँ ना। अच्छा, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला अपना है। और ये सब सारी गाड़ियों पे नंबरिंग की हुई है। ओके, तो ये नंबर के हिसाब से ही आप चल रहे हो, मतलब सो दैट? हाँ, कोशिश यही है कि हाँ। बट हाउ आर यू कनेक्टेड? वॉकी टॉकी से? अरे, सब ने वो खरीद लिया यहाँ पर वॉकी टॉकी। अच्छा, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सबके पास कार में है। अच्छा, मैं वॉकी टॉकी लेके नहीं आया। सही क्या, क्योंकि वो जो आपका वाला है ना, हाँ, वो इनसे कनेक्ट नहीं होता ना, अलग फ्रीक्वेंसी। हाँ, हाँ, ये लीगल वाले हैं कंप्लीटली। ओह, तो आपने खरीदा वो? मैंने भी ले लिया यार, मतलब 2 सेट आए यार, लेकिन बड़े महंगे थे यार। कितने? 8-9 हज़ार रुपए? नहीं नहीं, 6 हज़ार का एक था। 6 हज़ार का एक? 12 हज़ार के दो? 12 हज़ार के दो आए। अच्छा, ठीक है, मतलब इट्स वर्थ इट ना? इट इज वर्थ इट। अच्छा, बोल क्या रहे हैं लोग, उसकी रेंज 6-7 किलोमीटर है। हाँ, तो मैं और आप जब जाएंगे तो मैं खरीद लेता हूँ, आप मुझे लिंक भेज देना। बिल्कुल, और वो ट्राई करते हैं कि एक्चुअली में कितने। अब मेरे पास तो 2 है ही। अच्छा, आप लेने से पहले अपन जब उत्तराखंड ट्राई हो जाएगा कि सच में है 7 किलोमीटर की नहीं। तो आपकी गाड़ी भी तो भाई साहब, ये तो पूरी अंदर से ना हालत खराब। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आप, वो ऐसा नहीं होता गाड़ी में जो सामान, वो शूज और कपड़े वपड़े लाके फिर टायर खोल दो, ये घर है ना, चल नहीं सकते। सीरियसली सुलझ भाई, मतलब ये तो मतलब खतरनाक तरीके से फैमिली के साथ आवा, यही करना ही पड़ता है यार, बच्चे के। सही बात है, सही। और एक बार आप कुछ निकालो ना, इम्पोर्टेंट चीज ही निकालते है ना। हाँ, तो फिर वो वैसे ही छोड़ देते हो आप। ये भी तो इम्पोर्टेंट, ये भी लेके चलना है। ये मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपका नेटवर्क ही नहीं लग रहा था तो मैंने, अच्छा, समझ गया। नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा था, फिर मुझे लगा था आप ये प्रिपरेशन भी छोड़ते हैं, ये जरूरी है। हाँ, इराक का वाली। अच्छा, ये है, ये है ना, ये आपका वॉकी टॉकी। एंड हाउ इज द बैटरी डूइंग? ओके, ये अभी तो जस्ट इस ट्रिप पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, बट सपोजिटली इट शुड लास्ट फॉर 24 आवर्स। ओके, दैट इज व्हाट द कंपनी। ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी, ये तो यूज भी नहीं हुई अभी तक, ये एक से ही चार्ज हो रही है। हाँ, 2-3 दिन में मैं ऐसे ही नहीं खत्म कर पाया। बाप रे, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन ना। हम तो ऐसा, मतलब अब तो हमें, मुझे लग रहा है कि हम जाते तो हम अंडर प्रिपेयर्ड जाते हैं। अरे बिल्कुल, आप दूसरों के यहाँ देखोगे ना, मुझे शर्म आ रही है। अरे भाई, ये लोग तो क्या क्या कर रहे हैं। और हम तो, अरे वो देखो, वहाँ गीजर है, पोर्टेबल गीजर एलपीजी से चल रहा है, वो शार ले रहे हैं गर्म पानी से। क्या बात। अच्छा ठीक है, वो 100 रुपए हमें एक शॉर्ट के लिए हो रहा है, बात कर रहे हैं। अच्छा, के कर दो, पड़ोसी हैं, पड़ोसी है, 500 रुपए। वो जैसे चीनी खत्म हो जाती है ना घर पे, तो थोड़ा शक्कर मिलेगा, थोड़ा गर्म पानी मिलेगा क्या? दिस इज जस्ट अमेजिंग। अब जी यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने बियर्ड का प्रॉपर नरिशमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी ना कुछ महीनों से बियर्ड रखना स्टार्ट किया। तो बियर्ड को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, स्किन, फेस और बाकी सारी चीज़ों का तो टेक केयर करते हैं, बट बियर्ड की नरिशमेंट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। सो जी, इस ट्रिप पे मैं अपने साथ मामा अर्थ के 3 बियर्ड ऑयल कैरी कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज टी ट्री, दिस इज आलमंड, एंड जी अपना फेवरेट अनियन। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज बियर्ड ऑयल्स आर दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड, प्लस दे डोंट हैव एनी हार्मफुल केमिकल्स लाइक सल्फेट्स एंड पैराबीन्स, प्लस दे कम विद अ वुडन कॉम
which stimulates your blood flow plus evenly distribute the oil on your beard. Onion beard oil ke jo prime ingredients hain wo hai onion, vitamin E and argan oil. Onion has got the goodness of sulfur and is loaded with antioxidants which actually helps in boosting the hair growth. Vitamin E promotes healthy scalp and hairs, plus it also reduces the radical damage to the hair. These beard oils are non-greasy plus quick absorbing. आपको ऐसा स्टिकी स्टिकी सा फील नहीं आएगा, प्लस ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। अब जी मामा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैं हर बार बात करता हूँ कि एवरी टाइम यू परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप, योर ऑर्डर गेट्स लिंक्ड टू अ ट्री एंड बाय ईयर 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज। प्लस मामा अर्थ का ऑफिशियल ऐप जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, सारे अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स वहां पे सबसे पहले आते हैं। अब वैसे तो मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको Amazon, Nykaa, Flipkart हर जगह अवेलेबल है, बट अगर आप मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से जाके कुछ परचेज करते हो और मेरा कूपन कोड Vikash2022 यूज करते हो, यू गेट एडिशनल 20% ऑफ। तो मैं सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मेरे को दिखा क्रोकोडाइल का, इसमें क्रोकोडाइल बैठे रहते हैं? अरे भाई अभी नहीं है, वो देखो एकदम छोटा सा दिख रहा है आपको, ऐसे लॉग जैसा रखा है। हां वो छोटा वाला, राइट छोटा क्रोकोडाइल है ये वाला ना। हां ये दिन में तो बड़े बड़े ये वाला ये हाँ हाँ। अच्छा अभी एक बात नोटिस करे, वो ऐसे पानी की तरफ ना ऐसे लाइन्स चलती भी जा रही है। हाँ। वो क्रोकोडाइल ही तो है, वो तो चल के जाता है और लाइन बन जाती है उसकी बॉडी से। अभी आपने शाम को आया हो तो दे आर गोइंग इन द वाटर, दिन में आओगे ना तो धूप सेकने बैठते हैं, सेकने बैठते हैं ठंड में जैसे धूप सेकते हैं। मोर वोर तो है ही उधर। हाँ मोर तो मुझे रास्ते में भी दिखे, मुझे बर्ड दिखे, वो टाइगर था ना जो मैंने, वो टाइगर था ना, वो बहुत बड़ा था लेपर्ड, क्योंकि सबने मुझे बोला लेपर्ड लेपर्ड, तो मुझे लगा यार मैं ही गलत नहीं कर, मैं काफी दूर था, टाइगर के मुकाबले छोटा, बहुत बड़ा था वो, बहुत बड़ा था दिख रहा है वो। 15 गाड़ियां और एवरी गाड़ी मतलब एक से एक खतरनाक प्रिपरेशन, यूनिक है सब, यूनिक। हमें अगर ऐसा लगता नहीं यार हम अच्छा कर लेते हैं प्रिपेयर कुछ, हाँ। सब हमसे ज्यादा करके चल रहे हैं यार, अब शर्म आ रही है, चुप रहो भाई करने दो, दूसरों से सीखो और बाद में जाके कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। अच्छा देयर इज एन एंट्री चार्ज फॉर एवरी कार एंड देन एवरी नाइट यू स्टे देयर इज अ चार्ज, ऑब्वियसली यार बहुत महंगा कुछ अभी तक ये डेवलप नहीं था। और जो कल DFO थे, मैम वो DFO थे ना सारा जी का, जो DFO जी आए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने बताया कि देव रिलीज 15 क्रोकोडाइल्स, 15 क्रोकोडाइल अभी डाले थे। तो ये चंबल का एरिया है ना? हाँ एरिया, ये पूरा चंबल का एरिया ना, ये जो ये भी जो भी नदी है ये चंबल में जाके मिल जाती है, आगे फलना फूलना शुरू हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे चंबल में। हाउ सेफ इज द एरिया, मतलब चंबल पहले से, मतलब ह्यूमन से या जानवरों से? दोनों से, मतलब जानवरों से तो मैंने तो वो शेर देख लिया मैंने, तो वो मुझे पता है कि भाई अनसेफ नहीं है, अनसेफ है, अनसेफ है, टोटली अनसेफ है। ह्यूमन से क्या है, हम देखो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे है, यहाँ पर कौन ही पंगा लेगा, एक मिनट में यहाँ 10-10 पुलिस वाले आते हैं हर ऑफिस, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल आते हैं, पुलिस वाले पुलिस होती है सब, मतलब सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे क्या डर है, दूर दूर तक कोई आपको कोई गांव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इट्स ऑल बियर्ड, इट्स ऑल बियर्ड जंगल। ड्रोन उड़ा रहे थे सुबह तो किसी को दिखा ड्रोन में कहीं पे खंडर है, किला है कोई पुराना। अच्छा हाँ वहाँ सब, अब ये धीरे धीरे डेवलप होगी ना ये जगह, तो ये ऑफिशियल्स क्या करेंगे ट्रेल बना देंगे, आप वॉक करके जाइए वहाँ तक, देख के आओ, होता है ना कि आप एक स्पॉट पे आए हो, अब थोड़ा नदी तक जाना बिल्कुल मना है। अच्छा वहाँ से ना ऐसे रास्ता था नीचे का, ओके बिकॉज़ ऑफ द क्रोकोडाइल, हां क्रोकोडाइल्स की वजह से। दिस इज कूनो, कूनो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? नहीं दिस इज मतलब पार्ट ऑफ इट, यस कूनो, अच्छा दिस इज पार्ट ऑफ चंबल, लेकिन हां कूनो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अलग अलग वो है ना, जैसे ये पालपुर है। अच्छा दिस इज पालपुर, दिस प्लेस इज अलग अलग जगह जहाँ आप पहले आए थे, उसका नाम कुछ वितरामपुर क्या था, वितरामपुर, वितरामपुर अलग है, हाँ यार पता नहीं कहाँ चला गया, बट ऐसे ही है अलग अलग नाम है। ओके अब देख लीजिए जब आप आ रहे होंगे इधर पगडंडी का ट्रेल, हाँ बहुत अलग अलग वेज बने हुए, अलग अलग जहाँ पे मैंने एंट्री कराई उन्होंने बताया अलग अलग गेट से आप निकल सकते हो, अलग अलग सही है, जैसे वहाँ है जिम कॉर्बेट में, एग्जैक्टली डिकाला जोन, ये जोन वो जोन। तो ये जो सामने पेड़ है ना वो जादुई पेड़ है, इस पूरे जगह पे ना सिर्फ वहाँ पे नेटवर्क आता है, तो वहाँ पे एक बॉटल वो भी जियो का, एक डंडी कोई और नहीं, तो जिसको भी बात करनी है उस पेड़ के सामने खड़े होके स्पीकर पे फोन डालो और कॉल मिलाओ और स्पीकर पे ही बात करोगे, फोन वहां से हटाओगे तो नेटवर्क चला जाएगा। ये गजब चीज है ना, पहले बताओ मैं तो कहना पूरे इंडिया के सारे कैंपिंग या हॉलीडे स्पॉट होनी है ऐसे चीज, एक पेड़ बस, एक पेड़ पे चलेगा फोन, बाकी तुम चिल मारो सीरियसली। मैं 2-3 दिन से इतना मस्त मजे में हूँ ना, ना कोई फोन ना कोई कुछ, माँ बाप को बता दिया कि यही हो 3-4 दिन, अब चिल मारो यार, छुट्टी बन रही है। सीरियसली ये छुट्टी है, मतलब प्रॉपर आप वेकेशन पे, कोई काम नहीं कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पे अपन कर रहे हैं अपना लेट लंच, लेट लंच, एंड आपको भी दाल चावल देख के मन कर गया ना खाने का? मैं खा चुका हूँ लंच। अच्छा फिर खाना अपना लंच तो हो गया और फिलहाल टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, एक सफारी है जिसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगी हैं,
एक कैरावैन है, एक फॉर्च्यूनर है मेरी गाड़ी उधर, और मैं गाड़ी में एक्चुअली ना कैंपिंग का सामान, बेसिकली कैंप तो मैं उतना ये करता नहीं हूँ यार, तो मैं अपने साथ ना थोड़ा सा ये लेके आया था। बेसिकली जो टेंट हमने जांस्कर में यूज़ किया था वो 3 पर्सन का टेंट है, स्लीपिंग बैग्स हैं और 2 जैकेट है, बस इतना ही लेके आया, पानी लेके आया। इसके अलावा अगर मुझे टेंट पिच करना हुआ तो मैं टेंट पिच कर सकता हूँ, अदरवाइज़ बॉनफायर यहाँ पे रात में, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे लोग हैं तो बॉनफायर यहाँ पे कर रहे हैं। टेंट पिच करना होगा तो कहीं भी देख लेते हैं किस स्पेस पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ अंदर भी कर सकते हैं, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई मैं इतना मेहनत नहीं करने वाला, सो आई एम गोना स्लीप इनसाइड द कार। अब गाड़ी में ना रात में ठंड होगी अभी, क्योंकि आज ना दिन भर धूप आई नहीं तो रात में ठंड होगी, तो उसके लिए अपना रजाई, कंबल, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। दोनों सीट को अपने को आगे करना है और पीछे बिस्तर लगा के, बिस्तर क्या, बेड, जब गाड़ी चलते वक्त में मैं उसमें आराम से कंफर्टेबली सो जाता तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ये इसुज़ू इसके पीछे भी, सो मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि इसुज़ू के पीछे आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट देन रैक और बाकी सारी चीज़ें अरेंजमेंट करके ना इसके पीछे भी ईजिली आ गया। सुलझ भाई की गाड़ी तो आपने ऑलरेडी देखी है, वहाँ पे भी एक इसुज़ू है, एंड प्लस बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसे हमने कभी ऐसा वाला, सुलझ भाई जैसे ये आपको पूरा शेड दे रहा है, अगर आप धूप में हो या बारिश हो रही है तो आपका पूरा सामान ना गीला नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। एक छोटी सी मिनी वैन टाइप की है ये, यहाँ पे बड़ी क्यूट सी लग रही है, तो ये भी कैरावैन है। तो बहुत अलग अलग सारी चीज़ें हैं, बाकी बहुत लोग शूट कर रहे हैं अलग अलग चीज़, द एक्सपीरियंस कौन कैसे क्या कर रहा है वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसुज़ू में आप बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो, तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल कार। बट अदरवाइज़ यू नो, कोई भी एसयूवी में पीछे बहुत सारा अरेंजमेंट्स और बहुत सारा केबिन है जहाँ पे आप सारे सामान एक साथ, मतलब नॉर्मली हम जब कैंपिंग करते हैं तो सारा इधर उधर बिखरा देते हैं, तो वैसा नहीं है। तो अलग अलग चीज़ें यार, मतलब वो सारी चीज़ें एकदम नया एक्सपीरियंस, एकदम अलग एक्सपीरियंस, तो वो सारी चीज़ें देखने में ना बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये वाला ना स्टोव एक मैं भी लेके आऊँ, बस मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है, आपके पास तो इतना है कि मतलब ये ये पूरा ब्यूटेन है अच्छा, पूरा एक क्रेट भर भर नीचे, तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि नीचे है क्या, है कुछ तो है। अच्छा देखो, ड्रिंकिंग वाटर ना ये है, मैंने इसकी ये निकाल दी थी जस्ट क्योंकि बच्चे छेड़ रहे थे, अगर पानी पीना होगा तो इसमें, नहीं पानी में लेके आया हूँ ना जस्ट इन केस, मत लगाओ वो कहीं गलती से प्रेस हुआ ना, प्रेस हो गया तो वो आना तो शुरू हो ही जाएगा। हाँ ऐसे भी आना शुरू हो जाएगा, इसमें से ऐसे गिरेगा, हम तो इसी से पी रहे ना, बट अपने को ये लेना है ना, तो वो लंगर में, बड़े लंगर में ये नहीं बनता है कि भाई बना दिया एक ही, एक ही प्लेट, एक ही बड़े से कड़छल से चला रहे हैं, वैसे करके कॉफी बन रहा है ना, नेस्कैफे का डालते जाओ जब तक पता नहीं कैसी बनेगी, हाँ जब तक पूरा कलर नहीं आ जाए, एक से होगा नहीं, मतलब ये काफी ज्यादा पानी है। मेरे पास है बहुत सारा, है लेके आओ प्लीज, क्या कॉफी, चाय पी है तो रोज यही तो देखा, चाय कैसे बनाते हैं, तो पर ये कॉफी में भी मैंने अप्लाई किया। अच्छा ज्यादा हो गया तो सबको बताना भी जरूरी है, बेइज्जती होना चाहिए ना, यहाँ वैसे कुछ वेस्ट होता नहीं है, आ ही जाएगा पहले, एक दो कप लेके, अरे कहाँ से मिली, वहाँ उस काउंटर पे, वो ब्लैक वाली गाड़ी के पास बनती है, समटाइम्स तो हमें दो दो बार बनाना पड़ रहा है, कोई ना कोई तो भूखा होता ही है, सर मांग, सर मांग, कुछ बन रहा हो। तो फिलहाल इस काउंटर पे तो कॉफी मिल रहा था और यहाँ पे कट रहा है ये पिज्जा के लिए, राइट, ये सत्तू बन रहा है, अच्छा सत्तू बन रहा है, अच्छा बाटी, ओके ओके ओके, बाटी चोखा प्लस यहाँ पे बॉनफायर एंड वहाँ पे बारबेक्यू, सर ये बारबेक्यू के लिए, ये बारबेक्यू के लिए, राइट, ओके सो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें रेडी हो रही हैं, ये सब पिज्जा बन रहा है, अच्छा ये पिज्जा बन रहा है, ओके दिस इज नाचो ओवन, ओ तो इसमें आपको हम आज पिज्जा खिलाएंगे, क्या बात है, लेट आए हो वरना आपको कल हमने गिलोटी कबाब भी बनाए थे यहां पे, अच्छा हां मैं ये मिस कर गया मैं, बट मैं अभी 2-3 दिन हूं ना, आप जब तक रहना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो क्या बोलते हैं, आप दिल से आपका स्वागत है, थैंक यू, अच्छा लिट्टी चोखा बन रहा है, ओके तभी वहाँ सत्तू तैयार हो रही थी ना, वहाँ से होगा, रख सकते हैं, ऐसे ही, ऐसे काफी है, सो बैगन यहाँ पे भरता बनने के लिए रेडी हो रहा है, हाँ
यस, ताकि लिट्टी चोखा बने और पिज्जा का बेस रेडी हो रहा है एंड वहाँ पे अवन रेडी हो रहा है, गरम हो रहा है। चार पैकेट है, मैंने इनको बोला तो मैं 80 यूज़ कर रहा हूं भाई। अब डाल सब्जी, सुबह तक ऊपर चढ़ा भाई। हां वो बोला मेरे को अभी। कैंपिंग इज बेसिक थिंग्स एंड दिस इज ग्लैम्पिंग। व्हेन यू वांट पिज्जा, यू वांट लिट्टी चोखा, यू वांट डिफरेंट कुजींस, गलौटी कबाब, बेकन्स बने, क्योंकि फ्रिज है तो सब चीज कैरी करना इजी है। और कितना टाइम लगेगा इसको पूरा कंप्लीटली रेडी होने में? 15 मिनट कम से कम लगेंगे इसको, 15 मिनट्स एटलीस्ट। डच ओवन, और जी यहाँ पे बॉनफायर भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब सारा खाने वाने का अरेंजमेंट चल रहा है, लिट्टी चोखा, पिज्ज़ा। तो शाम के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे सारी लाइटिंग वाइटिंग लग रही है, मतलब प्रॉपर लाइटिंग लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली टाइप से हो रही है। सारी गाड़ियाँ सब में लाइट्स जल गई हैं और मेरे पास एक्चुअली एक लाइट पड़ी हुई थी तो मैंने भी गाड़ी पे ऊपर एक लाइट टांग दी है ताकि गाड़ी नज़र आती रहे। बाकी सुलेश भाई ने भी उधर लाइट जला ली है। बाकी सब अलग अलग काउंटर्स पे अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, कहीं लिट्टी चोखा बन रहा है, कहीं पिज़्ज़ा बन रहा है, बॉनफायर जल रहा है, तो सही है यार।